अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट फ्लो ऑफ प्रोग्राम, के प्रोग्राम किस तरह से रन करता है, उसकी क्या क्या वर्किंग होती है, आज वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं सी प्रोग्राम में। ये आम सा एक प्रोग्राम बना हुआ है कि किस तरह से वो एग्जीक्यूट करता है, लाइन्स को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। ये सिंपल प्रोग्राम बना हुआ हैश इंक्लूड stdio.h, यानी कि ये जो हैश इंक्लूड है ये प्री प्रोसेसर है, और ये जो stdio.h लिखा हुआ ये हेडर फाइल है। इंट मेन और ब्रैकेट है, और इस तरह से कर्ली ब्रैकेट प्रिंट एफ हेलो सी लैंग्वेज इस तरह से लिखा हुआ, और इस तरह से इन्वर्टेड कोमा के साथ क्लोज होता है हमेशा से, और आउटपुट हमें जो शो होता है वो होता है हेलो सी लैंग्वेज। जो प्रिंट हमने करवाना होता है, जो आउटपुट हमने शो करवाना होता है, वो आउटपुट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जितना भी कुछ सेंटेंस लिखा होता है या कोई वर्ड लिखा होता है वो प्रिंट आउट हो जाता है उसी तरह से। और रिटर्न ज़ीरो, यानी कि वैल्यू जो है हम बस इतना ही आउटपुट हमें चाहिए, तो हमने इसके लिए रिटर्न ज़ीरो और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है कर्ली ब्रैकेट। इस तरह से हमारा जो है वो प्रिंट आउटपुट आएगा हेलो सी लैंग्वेज। नेक्स्ट आ जाते हैं कि किस तरह से जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, किस तरह से रन करता है। सबसे पहले आ जाते हैं, एक सिंपल सा सी प्रोग्राम है जैसे वो मैंने लास्ट आपको स्लाइड में दिखाया है। उसके बाद प्री प्रोसेसर होता है, प्री प्रोसेसर के अंदर आ जाता है हेडर फाइल्स या हैश इंक्लूड आ जाता है, यानी कि जो चीज़ स्टार्टिंग पॉइंट पर आती है उसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सपैंड सोर्स कोड, प्री प्रोसेसर जो है उसको एक्सपैंड करता है, देन वो सोर्स कोड की फॉर्म में चला जाता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर जो है, फिर हम जब कंपाइलर को के ऑप्शन को दबाते हैं या प्रेस करते हैं तो फिर वो जाता है असेंबलर के पास, यानी कि कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर होल जो एज अ होल जो भी सेंटेंस लिखा होता है, जो भी प्रोग्राम लिखा होता है उसको रीड आउट करता है। और उसके बाद क्या होता है, मतलब कि कंप्यूटर के समझने के लिए उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि 10 बाइनरी नंबर्स होने चाहिए, तो वो असेंबली में वो कन्वर्ट करता है। कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड को असेंबली कोड के अंदर या असेंबलर के अंदर शिफ्ट करता है, और देन जो है वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है, और ऑब्जेक्ट कोड जो है वो लिंकर के पास जाता है, और लिंकर जो है वो एग्जीक्यूट करता है कोड को और देन लोड करता है, और फिर एग्जीक्यूशन हमारी कंप्लीट होती है। यानी कि उसका पूरा साइकिल है कि किस तरह से हमारी एग्जीक्यूशन जो है प्रोग्राम की वो कंप्लीट होती है। एक प्रोसेस होता है ये पूरा, और देन जाके जो है वो हमारा आउटपुट शो होता है। एंड नेक्स्ट इज़ एक्सप्लेनेशन ऑफ सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो भी मैंने सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की है उसका तरीका बताया है, ये उसके कुछ स्टेप्स हैं, पहले क्या क्या उसका डिटेल वाइज बताया गया है, मैंने इसमें बताया है। स्टेप वन में क्या है, सी प्रोग्राम यानी कि सोर्स कोड इज सेंड टू प्री प्रोसेसर फर्स्ट, यानी कि कोई भी सी प्रोग्राम ने जो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो डायरेक्टली भेजा जाता है प्री प्रोसेसर को। देन क्या होता है, प्री प्रोसेसर जो है वो उसका ज़िम्मेदार होता है कि किस तरह से वो कन्वर्ट करेगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को, जो उसकी वैल्यूज़ हैं उसके अंदर। द प्री प्रोसेसर जनरेट्स एन एक्सपेंडेड सोर्स कोड, और प्री प्रोसेसर जो है वो एक्सपेंड करता है यानी कि बढ़ाता है सोर्स कोड को। स्टेप नंबर टू में क्या है, एक्सपेंडेड सोर्स कोड इज सेंड टू कंपाइलर विच कंपाइल्स द कोड एंड कन्वर्ट इट इंटू असेंबली कोड, यानी कि जो एक्सपेंड हुआ सोर्स कोड है वो फिर भेजा जाता है कंपाइलर को, और कंपाइलर क्या करता है पूरे कोड को होल कंपाइल करता है और देन उसको कन्वर्ट करता है असेंबली कोड के अंदर, यानी कि उसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। एंड नेक्स्ट इज स्टेप नंबर थ्री इज द असेंबली कोड इज सेंड टू असेंबलर विच असेंबल्स द कोड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू ऑब्जेक्ट कोड, और जब असेंबली कोड जो है
वो भेजता है आगे, ट्रांसफ़र करता है असेंबलर को, और असेंबलर जो है वो अच्छे तरीके से असेंबल करता है कोड को, अच्छे तरीके से देखता है और देन कन्वर्ट करता है उसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, और इस तरह से एक सिंपल ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो क्रिएट हो जाती है। स्टेप नंबर 4 में है, द ऑब्जेक्ट कोड इज सेंड टू लिंकर विच लिंक्स इट टू द लाइब्रेरी सच एज हेडर फाइल्स। यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड जो है वो देन जाता है लिंकर के पास, और लिंकर जो है वो लिंक्स जो हैं लाइब्रेरी के लिंक्स वगैरह जैसे कि हेडर फाइल्स हैं इनको देखता और इनको एग्जीक्यूट करता है, और इस तरह से पूरा कोड जो है वो सिंपली एग्जीक्यूट हो जाता है। और एग्जीक्यूट की जो एक्सटेंशन है उसको हम सिंपली कहते हैं डॉट एग्जी फाइल, यानी कि वो एग्जीक्यूट हो गया तो वो एग्जी फाइल बन जाती है। स्टेप नंबर 5 में क्या होता है, द एग्जीक्यूटेबल कोड इज सेंड टू द लोडर विच लोड्स इट इनटू मेमोरी एंड देन इट इज़ एग्जीक्यूटेड। और ये जो एग्जीक्यूट करते हैं हम कोड को, वो एग्जीक्यूट होकर लोड होता है, और लोड किस में होता है, मेमोरी के अंदर, और देन जो है वो हमें आउटपुट शो करवाता है, रिजल्ट शो करवाता है। आफ्टर एग्जीक्यूशन आउटपुट इज सेंड टू कंसोल, और उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूशन हो जाती है, यानी कि हमारा कोड जो है वो रन हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज एंड माई टॉपिक इज एंड, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग मी।